नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भंडारा शहर में जुल्हा परिसर चौक से राजीव गांधी चौक तक गत दिनों चल रहे सड़क निर्माण के काम को आज दिनांक 18 जून को स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण पर रोक लगाई और कामगारों को भगाया। जानकारी के अनुसार पटाचाल के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। दूजा भाव गरीबी के घर को तोड़ा जा रहा था और अमीर के घर को छोड़ा जा रहा था। इस विषय को लेकर सभी पक्ष के नेताओं ने सड़क निर्माण का विरोध किया और कहा कि ऐसे ही दूजा भाव चलता रहा तो जन आंदोलन करेंगे, और बता दें कि प्रशासन को दूजा भाव करने का नतीजा। इस विषय को लेकर जिला कलेक्टर शांतनु गोयल को बार बार ज्ञापन द्वारा अनेक बार पूछा गया और नगर परिषद CEO को भी बार बार चेतावनी दी गई। अक्षय पोयम को भी ज्ञापन सौंपा गया और SDM कृष्ण पांचाल को भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है कार्रवाई नहीं होने का? ये जो भी जिलाधिकारी चौक से राजीव गांधी चौक तक जो काम चालू है उसमें दोनों तरफ का जो है जो तोड़ने की है प्रोसीजर बराबर हुई नहीं है, इसलिए फिर हमारे साथ नाइंसाफी हुई इससे, इसलिए हमने ये काम कर दिए। और तीन बार तो जिलाधिकारी को भी दिए नोटिस, तो भी उस पर एक्शन कुछ लिए नहीं अभी तक। अभी आपने जो कल नोटिस दिए जिला अधिकारी साहब को, तो आपको उन्होंने क्या जवाब दिए? तो उस पर कार्रवाई करते हैं ऐसे बोल रहे थे, पर अभी तक कुछ भी उसमें एक्शन अभी तक दिखाई नहीं दे रही। यानी अभी तक कोई जिला कलेक्टर की ओर से कोई कार्रवाई का कोई निश्चित दिखा नहीं दिखी। तो अभी आप क्या करने वाले हो? अगर जिला अधिकारी ने अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? फिर हम तो सब जन मिल के रास्ता रोको आंदोलन छेड़ देंगे। रास्ता रोको आंदोलन छेड़ देंगे। राजीव गांधी चौक से जिला परिषद चौक से दो बार हमने अतिक्रमण किए, एक बार अतिक्रमण किए तो अतिक्रमण के अंदर में एक बार एक बाजू की साइड पूरी तोड़ी गई और दूसरे बाजू में दूजा भाव करते हुए ऐसे आंदोलन लोगों के नज़र में आया, तो भी हमारे यहाँ के पूरे जनताओं ने उसका विरोध किया है। तो हमने तीन बार गोयल साहब को निवेदन दिए, उसके बाद में भी उनने हमारे को सम्मानजनक उत्तर नहीं दिए है, उसके विरोध में हम कल एक बार काम बंद किया, दूसरे बार ऐसे चलते रहेगा तो हम राजीव गांधी चौक से जिला परिषद चौक तक पूरा काम बंद रखने देंगे और काम करने नहीं देंगे। IG भोपाल जोन श्री योगेश देशमुख और DIG शहर श्री इरशाद वली के निर्देशानुसार पुलिस लाइन नेहरू नगर में आज दिनांक 18 जून को आयोजित है जनरल परेड का ASP जोन 3 श्री मनु व्यास द्वारा निरीक्षण किया गया। जनरल परेड प्रातः 7 बजे प्रारंभ हुई, जिसकी कमांड RI श्री विजय कुमार दुबे द्वारा की गई और ASP श्री मनु व्यास द्वारा परेड की सलामी ली गई। सलामी उपरांत श्री व्यास ने परेड का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सुथरी वेशभूषा धारण करने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा की गई और खराब वेशभूषा वाले पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई गई। निरीक्षण के दौरान श्री व्यास द्वारा बताया गया कि प्रत्येक जवान को साफ सुथरी वेशभूषा धारण कर और तंदुरुस्त रहकर प्रसन्नचित मन से कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसके उपरांत परेड की तुड़की वार शस्त्र अभ्यास और स्क्वाड ड्रिल करवाई गई, जिसके निरीक्षण के दौरान अच्छी स्क्वाड ड्रिल और शस्त्र अभियान करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई और अंत में परेड का सामूहिक अभ्यास कराया गया और अच्छे टर्न आउट और डिसिप्लिन में रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त परेड में 2 निरीक्षक, 5 सूबेदार, 34 उप निरीक्षक, 9 सहायक उप निरीक्षक, 19 प्रधान आरक्षक और 192 महिला पुरुष आरक्षक समेत करीब 270 अधिकारी कर्मचारियों ने परेड में हिस्सा लिया। जनरल परेड का आयोजन निरंतर किया जाएगा। जबलपुर में करीब 2 माह पहले हुए विवाद को फिर भी भुनाने के लिए 50 से ज्यादा लोगों ने राजा जैन और उनके परिजनों पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमलावर राजा और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट कर रहे थे, वहां खड़ी डायल 100 पुलिस मूक दर्शक बनी रही और तमाशा देती रही। घटना भेड़ाघाट थाना के सहजपुर की है, जहां राजा मैन का कुछ दिनों पहले गांव के सुशील जैन राकेश जैन से विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते 50 से 60 लोगों ने न सिर्फ उन पर उनके परिवार वालों पर हमला किया बल्कि उनकी दुकान और गाड़ियों को भी तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक 2 माह पहले राजा का किसी बात को लेकर सुशील जैन से विवाद हुआ था, जिसको लेकर फिर से उसे रोका गया, जिसकी शिकायत उसने भेड़ाघाट थाना पुलिस से भी की, पर पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा जब राजा थाने से घर आया तो
देखा कि उसके घर के बाहर सुशील राकेश सहित 50 से ज्यादा लोग खड़े थे और जैसे ही राजा को देखा तो मारपीट करने लगे। इस दौरान हमलावरों ने उनके पिता पर भी हमला किया जबकि दुकान और गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। इधर मारपीट हो रही थी तो दूसरी तरफ डायल 100 में तैनात पुलिसकर्मी थाने में फोन लगा रहे थे। फिलहाल जैसे तैसे विवाद खत्म हुआ तो घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं राजा की शिकायत पर भेड़ाघाट थाने में हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बताएं, मेरा पुराना विवाद था, इनसे लड़ाई झगड़ा था पुराना, उसके चलते इन्होंने मेरी गाड़ी को हाईवे को रोका और वो मुझे धमकी देने लगी मारने पीटने की, जिसके लिए मैंने वहाँ पे थाने में जाके आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद मैं वापस अपने घर के लौट रहा था तो इधर भी लोग 50-60 लोग ले खड़े करके लड़कों को और हमारे घर पे गाली गलौज कर रहे थे, तोड़ फोड़ की मेरे घर पे दुकान में काफ़ी सारा तोड़ फोड़ की, गाड़ी मिटा दी हमारी, टू व्हीलर मिटा दी इन लोगों ने और 100 नंबर भेजी तो 100 नंबर सबके सामने लोग मारपीट की मेरे साथ में, पीछे गले साइड मुझे बहुत ज़्यादा मारा, क्या देखो बेसबॉल के डंडे मारे, रस्सी गले में रस्सी डाले घसीटा इन लोगों ने। कौन लोग किस? ये सुशील जैन, राकेश जैन और बिपुल सिंह गौतम मगरमा का है और बाकी सारे लोग सहज पर गए हैं और सेरू जैन, लगभग काफ़ी सारे लोग थे, 50-60 लोग थे जी, काफ़ी सारे लोगों ने मारपीट की, एक सामने पूरे घर पे विवाद किया, मेरी मम्मी लोगों को गाली गलौज की शुरू से जी। राजा जैन सैदपुर वालों का झगड़ा हुआ है सैदपुर घर पे जी, तो उनको थाने से मुलाजा कराने मेडिकल अस्पताल लाया। नाम आपका? दैनिक रामगोपाल सोनी, नंबर 57, थाना बेड़ा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से लगे ग्राम पंचायत देमार का एक मामला सामने आया है जिसमें गांव के 54 एकड़ शासकीय घास जमीन, जिसे जमीन गौठान चारगाह शमशान घाट और निस्तारी के लिए रखा गया था, जिसे गांव के एक व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से समस्त किसानों का नाम काटकर अपने नाम करवा कर उसे बिक्री कर दिया गया, जिससे पूरे गाँव में आक्रोश का माहौल है। वहीं तहसीलदार सुश्री रजनी भगत द्वारा इस मामले में बताया गया कि सिविल कोर्ट से जिनके पक्ष में डिग्री हमें प्राप्त हुई है हमने उसका परिपालन किया है। मेरे पास सिविल डिग्री के संबंध में आया हुआ था और उसका फॉलो करना था मुझे, तो ये मैंने सिविल कोर्ट से जो डिग्री मिला था जिन लोगों के पक्ष में, तो उसका मैंने परिपालन किया है, बस इतना मुझे जानकारी। ग्राम देमार के खसरा नंबर 1303, खसरा नंबर 1308, खसरा नंबर 1310, ग्राम देमार के चरागन जमीन जो 55 एकड़ 70 डिसमिल है, पटवारी के अनुसार उस जमीन को हमारे ग्राम देमार के व्यक्ति विनोदपुरी गोस्वामी, पिता आनंदपुरी गोस्वामी द्वारा असंवैधानिक रूप से अपने नाम कर लिया है और उस भूमि को असंवैधानिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति पास बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्राम देमार में जन आक्रोश की स्थिति पैदा हो चुकी है। धमतरी पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। राज्य पुलिस की एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने नक्सलियों के सीता नदी दलम की सचिव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जिसका नाम सीता मंडावी बताया जा रहा है, जो काफी लंबे समय से नक्सलियों के संगठन में रहकर कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। हालांकि एसपी धमतरी ने मृत महिला नक्सली को सीता मंडावी होने की पुष्टि नहीं की है। दरअसल धमतरी और कांकेर जिले के अंतिम छोर में बसे कट्टी गांव में जंगलों में एसएफटी और जिला पुलिस को नक्सलियों के होने की जानकारी मिली थी। सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि सुबह जंगल में सर्चिंग के दौरान संयुक्त टीम को सामने देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग दोनों तरफ से हुई। मुठभेड़ में जवानों को अपने ऊपर भारी पड़ता देख नक्सली जंगल में भागने में कामयाब रहे। मुठभेड़ में एसएफटी और जिला पुलिस ने एक महिला नक्सली का शव और भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। वही घटना के बाद से जंगलों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में 15 से 16 नक्सली शामिल थे। धमतरी एसपी की माने तो एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है, वहीं कई के घायल होने की बात भी की जा रही है। आज प्रातः राज्य पुलिस की एसटीएफ की टीम का मुठभेड़ हुआ है कट्टी गांव के पास, जो कि बुराई थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, जिसमें मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारे जाने की सूचना है। विस्तृत जानकारी अभी अप्राप्त है और वो टीम जो है वो टेक्टिकली वहाँ से रवाना हुई है, जब वो पूरी टीम यहाँ पर पहुँचेगी धमतरी तो विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सर, लगभग कितने नक्सली थे वहाँ? वहाँ पर जो सीता नदी एरिया कमेटी और भी उसी से संबंधित दल जो थे वो उनके 15 से 18 नक्सली होने की संभावना थी। सर, कितने मुठभेड़ में इसमें ढेर हुए हैं?
इसमें एक ही महिला नक्सली का शव मिला है और भी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना हो सकती है। क्या ये महिला नक्सली है? इनके पास इंसास राइफल मिला है, इसके पास इंसास राइफल मिला है तो डेफिनेटली ये बड़े कैडर की होगी। अभी इसकी पहचान करनी शेष है, जैसे ही रिपोर्ट आती है और नक्सलियों की पहचान के लिए हमारे पास दूसरे तंत्र हैं उसके आधार पर ही हम बता पाएंगे अगली इनकी क्या शिनाख्त है। सर गोलाबारूद भी जी वो सारी चीज़ें हैं, विस्तृत जानकारी जो है उनके आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। शराबी पिता की मार से परेशान होकर दो मासूम पड़ोसी के साथ पिता की शिकायत लेकर रीवा थाने पहुंचे। पिता जब घर आता है तो शराब के नशे में होता है और रोज मारपीट करता है। ये पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है। अब हम अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जी हाँ, ये सब कलयुग में ही हो सकता है। कुछ ऐसी ही घटना रीवा के समान थाना अंतर्गत घटी, जब दो मासूम अपने पिता की मारपीट से परेशान होकर समान थाना अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल के साथ पहुंच गए। बच्चों का साफ तौर से कहना है कि हमारे पिता हमें रोज शराब पीकर मारते हैं, ये पिछले 2 सालों से चला आ रहा है, अब हम अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वहीं पड़ोसी की माने तो ये बच्चे अक्सर उनके यहाँ रात को पहुंच जाते हैं और उनको खाने पीने की व्यवस्था करने के साथ सोने का इंतजाम करते हैं। सुबह वो बच्चों को फिर से अपने पिता के घर पहुंचा देते हैं। ये काफी अरसे से चला आ रहा है। इस बार वो बच्चों को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए और अब जो भी करना है पुलिस करेगी। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों मासूमों की शिकायत आई है, हम इस पर जांच करेंगे, जो भी बेहतर कार्रवाई होगी वो करेंगे। बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो भी होगा अच्छा होगा। ये अंकल कहाँ रहते हैं? ये हमारे घर के पीछे रहते हैं। ये रखना चाहते हैं तुमको? तो मैडम दो बच्चे मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या मामला है? दो बच्चे आज खाने में अभी पड़ोसी के साथ में खाने तैयार होने बताया, क्योंकि पिताजी के साथ में मारपीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो माँ अपने पिताजी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अपने पड़ोसी के जो पड़ोसी हैं, जब मारपीट जब भी करते थे अपने पड़ोसी के पास जाते हैं तो वो इलाज उलाज कराते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, तो वो उनके साथ रहना चाहते हैं। करीब 2 साल से उनके पिताजी के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो एक बच्चा जो छोटा वाला 9 साल का है, ये बैकुंठ पुर में दादी के पास था, वहाँ से रात को भागे और यहाँ पे आया हुआ अपने पड़ोसी जो विकास तिवारी उनके पास में सारी बात बताएँ तो पिताजी और उनके पिताजी दोनों मारपीट करती हैं, तो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। उनके पिताजी शिव प्रसाद गुप्ता है जो सिमोर चौराहे पे तरबूज का ठेला लगाते हैं और दोनों बच्चे बाल बाल से उनकी पढ़ाई करते हैं। रीवा जिले के मऊगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर विश्व कप के भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मुकाबले में सट्टा लगाते आनंद गुप्ता पिता दीनदयाल गुप्ता उम्र 27 वर्ष और अमित गुप्ता पिता दीनदयाल गुप्ता उम्र 24 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 6 को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। सट्टा कारोबारियों के पास से पुलिस ने 1,80,100 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन और 1 TV बरामद किया है। पुलिस के अनुसार कारोबारियों के खाते में भी करीब 1,25,00,000 रुपए की नकदी राशि बताई गई है। जबलपुर में हो रही लगातार बिजली कटौती के विरोध में युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह को लालटेन भेजकर विरोध जताया है। प्रदेश में हो रही लगातार अघोषित बिजली कटौती के विरोध में 17 जून 2019 को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में जबलपुर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह को लालटेन और माचिस भेजी और साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ये अघोषित बिजली कटौतियां का खेल बंद नहीं होता है तो युवा मोर्चा प्रदेश में और उग्र आंदोलन करने को बाध्य रहेगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी के साथ जबलपुर युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल, राज भटनागर, प्रणीत वर्मा, चंद्रशेखर पटेल, अनिल चौबे, गोलू तिवारी, टीटू सोनकर आदि युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।